सीएपीएफएसी 2024 के जो पेपर 2 बैच है उसके संबंध में मैंने आपसे बात की थी। तो एक्चुअल में ये वीडियो कल आपको मिलना चाहिए था, बट ड्यू टू माई अदर इंगेजमेंट्स आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड, सो इसको आज प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये बोथ हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए है। इसमें जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल जो मेंटरशिप प्रोग्राम में है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम में है उनके लिए वो सेपरेट नहीं है, उनके लिए ऑलरेडी वो इंक्लूडेड है। उनके लिए तो जब तक एग्जाम आपका है 24 का तब तक के लिए वो जुड़े हुए हैं। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 करना चाहते हैं। कुछ ऐसे हर कैंडिडेट की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन लेंगे। तो कुछ कैंडिडेट्स का था कि ठीक है हम पेपर 1 जो भी है कर रहे हैं, पेपर 2 चाहिए। तो आपको जिनको भी पेपर 2 का ज्वाइन करना है, पेपर 2 चाहते हैं, उनके लिए ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके संबंध में इस वीडियो को पूरे देखें, इसमें सारे इंफॉर्मेशन जो रिक्वायरमेंट है वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसके बाद भी ऑब्वियसली है आपके पास कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होगा तो उसको आप पूछ सकते हो। तो ये बैच स्टार्ट फ्रॉम 12th ऑफ अक्टूबर, ये मैं कुछ वीडियोज में मैं बता चुका था। वैसे मैंने शुरू में 3rd अक्टूबर से बोला था, बट कुछ कैंडिडेट्स का डिमांड था कि चलो ठीक है 1 वीक एक्स्ट्रा ये करके, तो मैं 12th अक्टूबर ये से स्टार्ट होगा। और फुल सिलेबस आपका जो पेपर 2 में जो होता है, फुल सिलेबस स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रामर, जो आपके ग्रामर में है। तो ग्रामर में देखा जाए तो ऐसे 25 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनफैक्ट प्योर ग्रामर का देखो तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। जो आपका 6 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट A है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपका होता है इधर वो मीन्स मोस्टली सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में कभी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता, तो वो प्योर ग्रामर है। और जो 6C अभी आता है, 6 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट C 5 मार्क्स का, वो अभी जो फिलहाल आ रहा है वो आपका सेंटेंस करेक्शन में आता है। तो 15 क्वेश्चन यही प्योर ग्रामर का है। बाकी जो 6B में देखोगे तो उसमें से आपको सेंटेंस बनाने के लिए जो शब्द दिए हुए होते हैं, जो वर्ड्स दिए हुए होते हैं, जो फ्रेजल वर्ब दिए हुए रहते हैं, इडियम्स दिए हुए रहते हैं, वो उनसे आपको सेंटेंस बनाना है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो ग्रामर का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, वो आपका वर्ड पावर कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। समटाइम कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे दिए हुए हैं जिसके आप आसानी से बना सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे टाइम होते हैं वो वर्ड्स डिफिकल्ट होते हैं तो उसमें मुश्किल होता है। तो हम जितने भी सिलेबस में, फिर उसके बाद ग्रामर, लेकिन ग्रामर का यूज अदर कंपोनेंट्स में है। अब जो हिंदी माध्यम वाले हो तो उनको तो लगेगा कि हम ऐसे हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन और जो कंपोनेंट है आपका आर्गुमेंट राइटिंग है, आपका रिपोर्ट राइटिंग है, आपका प्रेसी राइटिंग है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये सारे में आपको ग्रामर का यूज होता है। और जो ऐसे भी इंग्लिश माध्यम में लिख रहे हैं तो उनके लिए भी जरूरी। सिर्फ हमेशा यही ध्यान नहीं रखो, कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक कि हमें बस ग्रामर में 15 मार्क्स आ जाना, नहीं, इसको होलिस्टिक वे में लेकर के चलोगे तो ग्रामर से हम स्टार्ट करेंगे। और वो सारे अब ऐसे में क्या है, हम सारे ऐसे तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन हम थीम वाइज कि इकोनॉमी थीम पे आता है तो इकोनॉमिक के बेसिक, आप इकोनॉमी बेसिक्स जो है वो पेपर 1 में आप पढ़ रहे हो, उसी से रिलेट करके कुछ क्वेश्चंस कि इस ढंग से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं तो आप इसके इस ढंग से आंसर बनाओगे। आपको ध्यान रखना है कि जो आपके ऐसे हैं, आपके जो आर्गूमेंट्स हैं, वो 300 वर्ड्स ईच होते हैं अप्रॉक्स, और जो रिपोर्ट है वो 200 वर्ड्स है। सो इस ढंग से हम चीजों को देखेंगे। कभी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन क्या सारे इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है? नहीं। तो जितनी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है उसको यूज करना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसको हम टैकल नहीं कर पाते हैं तो उसको किस ढंग से सोचना है, ये सारी चीज भी हम डिस्कस करेंगे। ड्यूरेशन आपका 2.5 मंथ्स, मीन्स कह सकते हो कि दिसंबर एंड तक करीब आपका ये फिनिश हो जाएगा, जिसमें हम लाइव सेशन आपका जो जूम पे लाइव सेशन होगा, और जो मान के चलो लाइव अटेंड नहीं करते हो तो उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियो, और जो लाइव भी अटेंड करते हो उनके लिए भी रिकॉर्डेड वाला वो मिल जाएगा कि आप एक बार दो बार आप जब भी चाहो तो वो देख सकते हो। तो वो कंप्लीट सिलेबस का होगा, मोर फोकस ऑन इंडिविजुअल फीडबैक सिस्टम, इंडिविजुअल गाइडेंस। हमेशा ध्यान रखो कि सो इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, आप किसी भी चीज को सर्च करो, आज YouTube में, Google में, किसी भी चीज के बारे में सर्च करो, हजारों लाखों आपके पास
कुछ चीजों में कुछ इंफॉर्मेशन लाखों की संख्या में आपके पास होते हैं, कुछ में हजारों हैं, कुछ में 100 200 हैं, कुछ एक हैं कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कहीं आपको नहीं मिलता है। आप समटाइम क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो क्वेश्चन हमेशा परफेक्ट फॉर्म में गूगल में नहीं, परफेक्शन फॉर्म ऐसे कुछ नहीं होता, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म हम कर सकते हैं नहीं मिलता। लेकिन एक जब टीचर के आप कॉन्टेक्ट में होते हो तो वो टीचर आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार चीजों को बताते हैं। गूगल ये जनरली अभी धीरे धीरे AI यूज हो रहा है, तो शायद वो अभी आने वाले और दिनों में आपके नॉलेज के अनुसार इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगी। या हम कह सकते हैं अभी ChatGPT है तो बहुत सारी चीजें कस्टमाइज्ड आप अपने अनुसार कर सकते हो। लेकिन एक टीचर जो है, हर कैंडिडेट के लेवल अलग अलग होते हैं। जब इंडिविजुअल रूप से जुड़ते हो तो एक टीचर को पता है कि कौन सा स्टूडेंट का क्या लेवल है, तो क्वेश्चन सेम हो सकता है, लेकिन एक टीचर आपके लेवल से जा करके आपके जो इंफॉर्मेशन बेस है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग बेस है, आपका जो ग्रास्पिंग बेस है, उस पर जाकर के डिस्कस करते हैं। और दिस इज माई टारगेट, इस वजह से मैं लिमिटेड कैंडिडेट्स को हर चीज में लिमिटेड कैंडिडेट्स को ले पाता हूँ, लिमिटेड कैंडिडेट्स को गाइड करता हूँ, धीरे धीरे करके जुड़ते रहते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस में होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है मैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें इंडिविजुअल गाइडेंस देता हूँ। कुछ लोग हैं कि टेस्ट लिखते हैं, तो मैं टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें टाइम देता हूँ कि हमें 5 टेस्ट लिखने हैं, ठीक है 5 टेस्ट लिखो, 5 टेस्ट के अनुसार आपको गाइडेंस दिया जाएगा। कुछ है कि मेंटरशिप प्रोग्राम में है, फ्यू लिमिटेड कैंडिडेट्स होते हैं तो वो लंबे समय तक जुड़े रहते हैं शुरू से। तो जैसे भी आपको लगता है, मैं 1000 2000 कैंडिडेट्स को नहीं गाइड कर सकता हूँ, मैं वन टाइम में 50 100 इतने ही कैंडिडेट्स को रखता हूँ। अब उसमें से 50 ऐसा नहीं है कि सारे मेंटरशिप में है। कुछ है कि सर मुझे बस 1 टेस्ट लिखना है, ठीक है भाई वन टेस्ट लिखो। कुछ ऐसे हैं कि जो न टेस्ट लिखना है कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी कॉन्टेक्ट में रहते हैं, हाँ कि सर मुझे ये डाउट्स है थोड़ी सी, ये तो जितना हो सकता है वो मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन हर चीज परफेक्ट, किसी पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, तो वो अनलिमिटेड टाइम नहीं है तो वो कैसे दे सकता, लेकिन जितना भी है उसमें से हम ये करेंगे। लेक्चर जो होगा वो प्राइवेट यूट्यूब वीडियो फॉर्म में आपका, यानी कि जो लाइव जो सेशन होगा, अब सारे सेशन लाइव नहीं होंगे, कुछ एक मैं ये करता हूँ जितना हो सकता है मैं लाइव में टाइम देने की कोशिश। लाइव में क्या है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो उस समय, या पहले क्वेश्चन समय दे सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन है डिस्कशन, या उसी समय आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो क्वेश्चन लाइव में पूछ सकते हो। बाकी जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, वो आप उसको एज मेनी टाइम जितना ये कर सकते हो। तो ये आपका 2.5 हिंदी और इंग्लिश, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो दोनों के लिए कॉमन है। अब ग्रामर में है, कोई ये नहीं कह सकते हो ना सर मैं हिंदी मीडियम का ग्रामर हूँ तो मुझे संस्कृत ये हिंदी का ग्रामर नहीं, आपको इंग्लिश का ही ग्रामर है। मैं सो इस ढंग से कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो इंग्लिश में है, बाकी डिस्कशन जो है वह हिंदी में करते हैं, यही सिचुएशन चलेगा। अब ऐसे सिर्फ रह जाता है, ऐसे एक कंपोनेंट है जो हिंदी मीडियम वाले के लिए अलग है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए अलग है, तो वो उसको मैं अलग अलग फॉर्म में डिस्कस कर दूंगा। अब जो हिंदी मीडियम के, तो ठीक है आप उससे इंग्लिश मीडियम वाला भी ऐसे से आप लाभ उठा सकते हो। तो चीजों को पूरे जितना भी सिलेबस है वो मैं इसको कंप्लीट करूंगा। अब रही EFP की बात, तो फुल सिलेबस आपका कवर किया जाएगा, प्लस यूनिट टेस्ट एवरी वीक, आपको एवरी वीक में 1 यूनिट टेस्ट दिया जाएगा, प्लस जब सिलेबस वंस कंप्लीट होगा तो 2 फुल लेंथ टेस्ट जो पेपर 2 का है, तो एवरी जैसे मान के चलो 10 वीक्स करीब आपके 10 11 वीक्स होंगे, तो 10 या 11 आपके यूनिट टेस्ट, मान के चलो 11 वीक्स हुआ, तो 11 वीक्स हुआ तो 11 आपके यूनिट टेस्ट हो जाएंगे। वंस फुल सिलेबस कंप्लीट हुआ तो फिर आपके जो होंगे वो 2 फुल लेंथ टेस्ट, ताकि आप एक साथ एग्रीगेट चेक करो, ठीक है। तो फुल लेंथ टेस्ट जो होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, तो ये जो आपका फी है वो 5100, लेकिन ये है कि आप यदि 15 अक्टूबर तक पे करते हो, तो 15 अक्टूबर तक आप पे कर देते हो तो आपके 5100 है। ऑब्वियसली आपको मर्जी है, तो आप लोग किसी के लिमिटेड फ्यू कैंडिडेट्स को मैं गाइड कर सकता हूँ, करता हूँ, मैं पाए अनलिमिटेड कैंडिडेट्स को नहीं, जब मैं टाइम ना दे पाऊँ तो मैं कैंडिडेट्स को नहीं लेता हूँ, सीधी सी बात है, चाहे वो इंटरव्यू गाइडेंस हो, मैं कुछ कैंडिडेट्स को मना करता हूँ, ठीक है आप जहाँ हो आप वहीं कर दे, लेकिन हाँ यदि आप हमसे जुड़ोगे तो मैं इंडिविजुअलाइज गाइडेंस देता हूँ। एक रिजल्ट मेरे लिए मायने रखता, लाख कैंडिडेट एग्जाम में अपियर होते हैं, 3 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं,
तो क्या सारे पोटेंशियल वाले कैंडिडेट्स हैं? लिमिटेड फ्यू कैंडिडेट्स हैं जिनसे आशा है, जिनसे कि हाँ वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अब सबको जिसको मैं ले रहा हूं या कोई भी, तो सारे क्वालिफाई कर रहे हैं? नो, कभी कभी भी मैं ये डिस्क्लेमर नहीं है हमारा कि क्लेम करूं कि यस मेरे पास आ गए हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, सिलेक्शन आपके मेरिट से होता है, आपके मेहनत से होता है, आपके एफर्ट से होता है। आप जितना एफर्ट पुट करोगे आपका रिजल्ट का संभावना उतना अच्छा होता है। लेकिन जितना आप मेहनत करोगे उसके साथ टीचर मेंटर का सपोर्ट आपको उसमें से हेल्प करता है। 15 अक्टूबर तक आप ज्वाइन करते हो तो 5100, उसके बाद आप करते हो तो 6100, ये 15 अक्टूबर के बाद करते हो। तो कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स इससे होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है चीजें, मैं आपसे लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। 2017 से मैं फॉर्मल रूप से असिस्टेंट कमांडेंट के कैंडिडेट्स को गाइड कर रहा हूँ। उसके पहले भी ऐसा है कि मैं 2012 वाले बैच से इस एग्जाम से जुड़ा हुआ हूँ, तो 11 ईयर प्लस इस एग्जाम के एक्सपीरियंस के हो गए हैं। लेकिन मैं 2017 से फुल टाइम एज ए देखा जाए दिस इज माई पैसन। मैं हमेशा लंबे समय तक फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस ये दिया, लेकिन ऑब्वियसली है लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल के लिए चीजों के लिए आपको चाहिए होता है कुछ, इस वजह से चीजों को कर सकते हो। आपको लगता है अच्छा आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हो, आप ऐसा नहीं है कि जब तक सेटिस्फाई नहीं होते हो, हजारों वीडियोज हमने बनाए हुए हैं, आपको अच्छा लगता है तभी। क्योंकि एक ना जो कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है अपने में और जिससे आप मेंटर, ये जब यदि इस किसी कैंडिडेट को लगता है अच्छा ये क्या हमको गाइड करेगा, इससे ज्यादा तो मैं बेटर जानता हूँ, तो कभी भी उसे टीचर से आपको गाइडेंस नहीं लेना चाहिए। हमसे भी बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट भी हैं जो टॉप 10 में आ रहे हैं, तो शायद मैं समझता हूँ कि ठीक है वो मेरे से बेटर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ टॉप 10 वाले भी हमसे गाइडेंस ले रहे हैं, और लेकिन वो उनको तो नहीं पता होता ना कि हम टॉप 10 के। लेकिन यदि आपको लगता है कि यस ये टीचर हमको गाइड करने लायक नहीं है तो आपको नहीं ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन लगता है भरोसा बहुत जरूरी चीज है। आप बीमार होते हो, मेडिसिन लेते हो, फेथ बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं ना एक प्लेसिबो होता है, कि वो टीचर शायद हो सकता है कि मेडिसिन टाइप में ही इसमें लोग प्लेसिबो, कि आप एक टीचर मेडिसिन वो रियल मेडिसिन नहीं है लेकिन फिर भी आपका फेथ है तो मेडिसिन वर्क करे। और टीचर में आपका फेथ है वो क्वेश्चन देता है कि गुरु टीचर मेंटोर जो भी मानते हो कॉन्फिडेंस, यदि नहीं कॉन्फिडेंस है तो टीचर कुछ भी क्वेश्चंस क्यों नहीं है। एक कंटिन्यूअस जर्नी है, हजारों वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं, रेगुलर कर रहा हूँ जब टाइम मिलता है। कभी कभी यह है कि मुझे भी थोड़ा अपने ऊपर टाइम देना पड़ता है, इन द सेंस है कि चीजों से अपडेट रहना बहुत बार है। कुछ चीजें मैं खुद पढ़ता रहता हूँ, मैं अपने कुछ मास्टर्स डिग्रीज और ये सब, मतलब कई हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ कभी कभी करता रहता हूँ। मैं थोड़ा देता हूँ, ब्रशअप करता हूँ, मैं स्टूडेंट के तौर पे अपने को देखता हूँ, क्योंकि एक लर्निंग है, एक कंटिन्यूअस लर्निंग है। मैं कभी भी ये नहीं कर सकता हूँ नहीं अब हमारे पास सीखने के लिए कुछ नहीं है, नहीं ये कर ही नहीं सकता हूँ, तो ये आप करो। ओके, थैंक यू।